बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोती मस्जिद जाकर दुआ की और रिश्तों की आमद शुरू। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को शादो आबाद रखे। आपका साया हमारे सर पर हमेशा कायम रखे और लोगों को सीधी राह दिखाते रहें। और मैं अपने घर की बताती चलूँ, जो वजीफे आपने दिए और तस्बीहात दी हैं, इनको मैं बाकायदगी से पढ़ती हूँ। मेरे घर में बहुत सुकून है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, महनामा अबगरी के मज़मून जिन्नात का पैदाइशी दोस्त में अलामा लाहौती पुरसरानी साहब ने मोती मस्जिद के बारे में तफसील से लिखा है। मेरी बेटियों के रिश्ते के बहुत मसाइल थे। रिश्ते क्या होने थे, कभी ना किसी ने बात की और ना ही कोई देखने आता। मैं अपनी बेटियों के हमराह मोती मस्जिद गई और वहां जाकर इनके बेहतर और जल्द रिश्ते के लिए दुआ की। मोती मस्जिद में दुआ के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर रिश्ते आना शुरू हो गए। मुनासिब सा रिश्ता देखकर बड़ी बेटी की मंगनी करती है। इंतहाई शरीफ और खाते पीते लोग हैं। दूसरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है। उम्मीद है ये रिश्ता भी हो जाएगा और दुआ करें कि इनके नसीब अच्छे हों। बाह वाला महनामा अबकरी, अगस्त 2017। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।